नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माय क्रिएशंस में। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास है ये एक नेट का कपड़ा, जो कि हमने नेट का लहंगा बनाने के लिए या स्कर्ट कह लीजिए तो वो बनाने के लिए लिया है। तो उसके साथ साथ हमने अस्तर का भी कपड़ा लिया है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे जब भी मैं नए नए वीडियोस डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन या कमेंट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो ये सिर्फ मैं यहाँ पर देखिए बड़े लोगों के लिए लहंगा या स्कर्ट जो भी आप कह लें मैं डाल रही हूँ, तरीका एक ही है जिसमें इलास्टिक हम लगाएंगे। तो ये बच्चों के लिए नहीं है। अगर आपको बच्चों के लिए चाहिए तो उसकी लिंक मैं आपको दे दूँगी, या आप सजेस्टेड वीडियोस में भी देख सकते हैं आई बटन पे। तो वो दोनों लिंक, दो वीडियोस हैं, मैं उनकी लिंक बच्चों के लिए 7 से 8 साल की लड़की के लिए भी मैंने डाला हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पर बड़ों के लिए बना रहे हैं, जिसके लिए हमने ये कपड़ा ले करके रखा है। आप देख सकते हैं ये शाइनिंग वाला कपड़ा है। तो मैंने तो यहाँ पे लिया था 2 मीटर, इसको अम्ब्रेला स्कर्ट हम बोल सकते हैं, अम्ब्रेला लहंगा बोल सकते हैं, अम्ब्रेला राउंड में जो बनता है नेट स्कर्ट वो है। तो आप यहाँ पे पहले देखें कि ये हमने कपड़ा लिया था 2 मीटर अस्तर का, जिसमें शाइनिंग है। तो कभी भी अगर आप नेट के कपड़े का स्कर्ट या लहंगा बना रहे हैं तो उसमें मैं यही प्रेफर करूँगी कि आप जो है वो शाइनिंग वाला कपड़ा लगाएँ, तो इसकी फिनिशिंग थोड़ी सी अच्छी आती है। तो हमने यहाँ पे 2 मीटर लिया था, लेकिन 2 मीटर आपको कम पड़ेगा, हमें भी अंदाज़ा नहीं था, इसलिए हमने फिर 1 मीटर लिया है ये कपड़ा नेट का अस्तर के लिए। तो ये टोटल हमें 3 मीटर अस्तर के लिए लिया है, 3 मीटर कपड़ा। तो सबसे पहले इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। हमने पूरे कपड़े को फोल्ड नहीं किया, आप देख सकते हैं हमने आधा दूर ही फोल्ड किया है। तो ये वीडियो बस कटिंग की वीडियो है, क्योंकि इसकी कटिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है समझने में, तो हो सकती है वीडियो थोड़ी लंबी जाए। तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको जो है वो 2 पार्ट में दिखाऊं, इसका पहले कटिंग दिखा दूं, उसके बाद मैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो नेक्स्ट अपलोड करूं। तो उसके बाद हम कुछ अस्तर को ऐसे टर्न करेंगे, बस जो दिक्कत है आपको फोल्डिंग में है, कटिंग में इसको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप समझ गए। तो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है जो वो बचा हुआ है। तो यहाँ हम सबसे पहले अपनी लेंथ बता देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हमें नाप में कुछ अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है तो वो पड़ता है कि हमें कितनी लेंथ रखनी है अपने लहंगे की, और प्लस हमारा कमर कितना है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, जिस कमर की साइज़ का हम बना रहे हैं वो है 36। तो यहाँ पर हम 2 इंच एक्स्ट्रा, सॉरी 34 की है जिसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं 36, 34 इंच कमर, 2 इंच एक्स्ट्रा 36, और लेंथ यहाँ पे हमें तैयार सिल के चाहिए 40 इंच। तो लेंथ भी आप अपने अकॉर्डिंग ले लें, कमर वेस्ट आप भी अपने अकॉर्डिंग जितना है ले लें। फिर उसके बाद से कपड़े को ऐसे फोल्ड करें, और यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप 36 का चौथाई भाग यानी कि 9 इंच पे मार्किंग कर लें, जितना आपका कमर हो उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लें और यहाँ पे चौथाई भाग मेजर कर लें, और एक कुछ ऐसा राउंड मार्किंग कर लें। तो हमने यहाँ 9 इंच पे मार्किंग कर लिया है। तो ये हमारा हो गया कमर। अब जो है हमारी लेंथ की बारी है, तो लेंथ हम यहाँ से लेंगे जहाँ से हमने फोल्ड किया है। तो लेंथ अब यहाँ देखिए, लेंथ आ रही है लगभग 40 इंच हमें चाहिए। तो 40 इंच हमें ऊपर का चाहिए, यानी नेट के कपड़े में 40 तैयार सिल के चाहिए, तो उससे हम 2 इंच कम ही रखेंगे क्योंकि अस्तर 2 इंच ऊपर तक ही रहेगा। तो यहाँ 38 पे हमने निशान लगा लिया है।
साथ में बस ऐसे 38 पे निशान लगाते जाएं। यहाँ पे मैं एक बात बोलूँगी कि यहाँ पे अस्तर में आपको कपड़ा यहाँ से जॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जब आप फोल्ड करेंगे कपड़े को तो आपको तिरछा एक ऐसे कपड़ा कटिंग करके और अस्तर में जॉइंट करना ही पड़ेगा, अगर आपको लंबाई इतनी चाहिए तो। अदरवाइज़ अगर आपको 40 से कम लंबाई चाहिए तो आपका हो जाएगा। और ऊपर का कपड़ा यहीं वेस्ट से नापें, यहाँ पे आप देख सकते हैं 38 का मार्किंग हमने कुछ ऐसे राउंड करते हुए ले लिया है, तो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ हमारा कपड़ा जो है वो जॉइंट होगा, जिसको सिलाई के वक्त हम जॉइंट कर लेंगे। अब हम इस अस्तर की कटिंग कर लेते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हम कटिंग करेंगे। अगर स्कर्ट बनाना है तो भी ये सेम प्रोसेस है, और लहंगा बनाना है तो भी यही सेम प्रोसेस है। एज ए लहंगा या एज ए स्कर्ट जो आप चाहें यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये ऊपर का एक पोर्शन हमें जो है वो जॉइंट करना पड़ेगा यहाँ पे, तो उसके लिए अभी से हम कटिंग जो है वो निकाल लेंगे अपने बचे हुए कपड़े से। इसलिए मैंने आपसे बोला कि अगर आप इतनी लंबाई 38 या 40 साइज का लेंथ रखते हैं तो आपको 3 मीटर अस्तर की ज़रूरत पड़ेगी ही। और अभी रक्षाबंधन और तीज आने वाली है, तो काफ़ी लोग ये चीज़ घर पे बनाने की ही कोशिश करेंगे, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत यूज़फुल है और तरीका बहुत ही आसान है। ये देखिए कॉर्नर में बस हमारा नेट का कपड़ा पर्याप्त है, बस हमारी अस्तर में ज्वाइंट इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हमारी जो कपड़े की अर्ज थी वो थोड़ी सी कम थी। अगर आपके कपड़े में फुल है तो फिर आपको ज्वाइंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस यहाँ पे हम जब कपड़ा ज्वाइंट करेंगे तो 1/2 इंच जाएगा हमारा जो है वो सिलाई में, और उसके बाद उसी शेप में हम मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए हमें ऊपर से ऐसे दिख, शायद कैमरे में नहीं आ रहा है लेकिन ऐसे दिख रहा है हमें कि हमें मार्किंग कहाँ से करनी है, तो कुछ ये है मार्किंग। यहाँ 1/2 इंच हमने ऊपर बढ़ा के रखा है ताकि वो सिलाई में जाएगा। और ऐसे ही मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड करने वाली हूँ, खासकर रक्षाबंधन और तीज के अवसर पे, तो प्लीज़ इसके लिए आपका मेरे चैनल पे बने रहना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर याद रखिएगा दबाना। तो ये कुछ हो गया हमारा अस्तर का कटिंग कम्प्लीट। अब हम इसको करेंगे जो है वो नेट के कपड़े पे कटिंग इसकी। तो ये है हमारा नेट का कपड़ा जिसको हमने लिया है 3 मीटर। तो अगर आपको अच्छा घेरा चाहिए, मतलब कि कंप्लीट एकदम अम्ब्रेला चाहिए और जिसमें ज़्यादा ही घेरा हो, तो आप कम से कम 3 मीटर कपड़ा तो ले ही। अगर आप उससे अधिक भी लेते हैं तो भी आपका घेरा 3 से 3.5 पर्याप्त है आई थिंक। तो 3 मीटर से ऊपर ही लें, कम ना लें।
अदरवाइज़ घेर आपका ज़्यादा नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने इसको भी ऐसे ही डबल फोल्ड कर दिया है। और आप हमारे कपड़े की अर्ज़ देख सकते हैं कि हमारे कपड़े में ये अर्ज़ जो है वो कितनी ज़्यादा है। तो इसमें हमें जो है वो जॉइंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कोई भी अगर आप लहंगा बनाते हैं तो उसमें आपको अस्तर लगाने की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। अगर आप नेट का बनाते हैं तो भी, नहीं भी नेट का है तो भी आप अस्तर लगाने से थोड़ा सा लहंगा मज़बूत हो जाता है। बस जैसे हमने अस्तर को जॉइंट किया फोल्ड किया था वैसे ही हमने इसको भी फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए हमने ऐसे ही त्रिकोण में इसको भी फोल्ड कर लिया। और लंबाई 40 का 40 हम इसमें इसलिए लेंगे, हमने अस्तर में 38 लिया था, हम इसमें 40 का 40 लेंगे। प्लस हमारी 4 इंच की ऊपर की जो हम इलास्टिक की बेल्ट लगाएंगे तो 4 इंच वो एक्स्ट्रा लेंगे। तो या तो आप चाहें तो आप 4 इंच अपनी लंबाई से माइनस भी कर सकते हैं। 1 इंच तो आई थिंक जाएगा सिलाई में, तो 4 से 5 इंच आप ले सकते हैं। और या तो उसके बाद अगर आपको उतनी लंबाई चाहिए तो अगर आप 4 इंच की बेल्ट जोड़ते हैं तो नियर अबाउट 3 इंच आपकी लंबाई और बढ़ जाएगी, तो वो आपके ऊपर है। अगर आपको लंबाई ज़्यादा नहीं चाहिए तो जितनी आपकी लेंथ है उसमें से आप 4 इंच माइनस कर लें, या 4 इंच ना करें 2 इंच करें, सिलाई में कपड़ा ज़्यादा जाता है। तो सेम यहाँ पे भी हम इसको 9 इंच में मार्किंग कर लेंगे जैसे हमने अस्तर पे किया था। तो इसका बेल्ट तो हम निकालेंगे सिलाई के साथ ही, जब हम सिलाई की वीडियो में डालूँगी तो मैं उसमें आपको बताऊँगी कि उसमें आपको कमर कैसे लेनी है। इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लूँ ना। यहाँ देखिए हमारी लंबाई, हमें सिलसाल के 40 चाहिए तो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ली है यानी 42। थोड़ा सा हम बेल्ट जोड़ेंगे तो कपड़ा उसमें भी जाएगा, फिर नीचे से फोल्ड करेंगे लेस लगाने के लिए तो उसमें भी जाएगा। तो हमने यहाँ पे 42 ले लिया है। अगर मैं स्टिचिंग का वीडियो इसमें डालती तो फिर वो कहीं ज़्यादा लंबी हो जाती, तो फिर वो शायद आप लोगों को बहुत समझ में भी नहीं आता और बहुत लॉन्ग भी हो जाता मेरे लिए भी। तो इसलिए मैंने सेकेंड पार्ट में सोचा कि मैं वो स्टिचिंग की वीडियो जो है नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूं। तो उसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी जब भी अपलोड करूँगी। जब भी क्या इसके बैक टू बैक ही मैं अपलोड कर दूँगी वो वीडियो भी। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो हमने स्कर्ट का अस्तर जो आपको मैंने दिखाया था कटिंग में कि हमें अलग से जोड़ना पड़ेगा, तो वो आपने जितने पोर्शन पे फोल्ड किया है अपने अस्तर को, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, उतनी ही कटिंग्स आपको निकालनी पड़ेगी यानी कि सब तरफ से जोड़ने के लिए। तो इस बात का आप खास ख्याल रखें कि जितने फोल्ड आपने लगाए हैं
उतने ही पीसेस चाहिए आपको और सेम एग्जैक्टली इसी शेप में, ताकि आप सब तरफ जॉइंट कर सकें उसको। वो जब आप कटिंग करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा वो चीज़। और बाकी का मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। तो यहाँ हमारे पास जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हम एग्जैक्टली सेम शेप का जो है वो तीन पीस और निकाल ले रहे हैं। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको, जिनके कपड़े का अर्ज कम हो या अस्तर कम पड़ रहा हो लंबाई में लगाने के लिए, या लेंथ आपकी ज़्यादा है लहंगे की उसके लिए। अदरवाइज़ आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कटिंग कर सकते हो अगर आपका कपड़ा पर्याप्त है तो। बस हमने ये बचे हुए कपड़े के ऊपर ये जो शेप काट के निकाली थी अपनी, उसको प्लेस कर लिया है और एक्जैक्टली ऐसे ही सेम शेप में हमने तीन और पीसेस कटिंग कर ली हैं। या तो आप पहले ही कपड़े को फोल्ड करके ये पीस कटिंग करें उसी शेप में, वो आपके ऊपर है। अगर आप चाहें तो कटिंग के जब आप ये शेप निकालें तभी आप कपड़े को फोल्ड कर लें। बस ये हमारा बचा हुआ कपड़े में से हम वो भी निकाल देंगे, जिसको जब हम सिलाई करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि हमने कहाँ कहाँ जॉइंट लगाया है। बस किसी तरह से आपको वो सर्कल जो है वो पूरा करना है जॉइंट करके। तो ये हमारा कटिंग करके रेडी है। अब इसी वीडियो में मैं आपको शो कर रही हूँ कि आप ऊपर का बेल्ट कैसे निकालें। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास लहंगे का बचा हुआ कपड़ा है जो हम कमर की बेल्ट निकालने के लिए यूज़ करेंगे। तो बेल्ट था वेस्ट था हमारा साइज़ 36। तो आप देख सकते हैं यहाँ कपड़े को हमने फोल्ड रखा है, डबल लेयर में है ये कपड़ा, फोल्डेड है। तो यहाँ हमने कपड़े को डबल लेयर में रखा है, तो यहाँ पे हम 36 का हाफ़ यानी 18 इंच पे मार्किंग करेंगे अपनी। और इसकी चौड़ाई हम रखेंगे 5 इंच, 4 भी ले सकते हैं 5 भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है जितना आप चाहें। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कपड़ा थोड़ा सा कम पड़ रहा है, हमने यहाँ से 5 इंच ये ले लिया। और यहाँ से 18 इंच फिर से हमने मार्किंग किया, इससे कपड़े की वेस्टेज थोड़ी बच जाती है कि कपड़ा आपका वेस्ट ना हो। और यहाँ से भी 5 इंच, आप चाहें तो 4 भी रख सकते हैं। अब इसमें हम इलास्टिक लगाएंगे। तो सेम इसी ऐसे ही आप डबल फोल्ड करके जो है वो अस्तर की भी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि इसमें भी अस्तर लगेगा। ये हो गया हमारा कमर बेल्ट। तो ये हो गई यहाँ पे। आप मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं कि आप सेम टू सेम ऐसे ही अस्तर का भी कपड़ा कटिंग कर लें इसी साइज़ में। इसको अस्तर के कपड़े पे प्लेस करके कर लें। ये ऐसे फोल्ड होगा तो आपकी बेल्ट कुछ इतनी चौड़ी आएगी, आप देख सकते हैं इतना सिलाई में जाएगा, तो कुछ इतना बचेगा आपका, इसलिए मैंने 5 इंच बोला लेने के लिए।
तो अभी फ़िलहाल आपको अगर मेरी ये कटिंग की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ में मेरी इसकी स्टिचिंग की वीडियो आप सेकंड पार्ट आप देखना ना भूलें। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।